महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर तमाम दलों में तनाव की स्थिति नजर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर एक तरफ तो महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच अब तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है, वहीं महाराष्ट्र में साथ मिलकर सरकार चला रहे महायुति में भी खींचतान जारी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, लेकिन इस सूची में महाराष्ट्र की एक भी सीट को शामिल नहीं किया गया है। आइए समझते हैं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर पूरा गणित क्या है। बीजेपी ने 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सहयोगी दलों के बीच खींचतान को लेकर इस लिस्ट में बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र की एक भी सीट शामिल नहीं की गई है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। जानकारों के मुताबिक महाराष्ट्र में अजीत पवार खेमा और सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना लोकसभा चुनावों के लिए ज्यादा सीटों पर दावा कर रही है। अजीत पवार खेमे के पास फिलहाल केवल एक लोकसभा सीट रायगढ़ है, जिसका प्रतिनिधित्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे कर रहे हैं, जबकि शिरूर, बारामती और सतारा जैसी सीटें शरद पवार खेमे के पास हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार 3 मार्च को 16 लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। समीक्षा बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कैबिनेट मंत्री शंभुराज देसाई ने दावा किया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने धनुष और तीर के निशान पर 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भी वो 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देसाई ने कहा कि वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड और राज्य की समन्वय बैठक में अपनी मांग रखेंगे। माना जा रहा है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी महाराष्ट्र में 10 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। इन सीटों में धाराशिव, परभणी, बुलढाणा, गढ़चिरौली, माधा, हिंगोली, बारामती, शिरूर, सतारा और रायगढ़ शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक महाराष्ट्र लोकसभा की 48 सीटों में माढ़ा, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, मावल, शिरूर, रायगढ़, मुंबई उत्तर पश्चिम, पालघर, संभाजीनगर, परभणी, यवतमाल, शिरडी और गढ़चिरौली को मिलाकर कुल 12 ऐसी सीटें हैं, जिसे लेकर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच तकरार जैसी स्थिति बनी हुई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर बीजेपी का दावा किया था, जिसके बाद सीएम शिंदे की पार्टी शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सवाल उठाया था कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले हर पार्टी को खत्म कर अकेले रहना चाहती है। कदम ने कहा था कि बीजेपी रायगढ़ के बाद रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट के लिए भी दावेदारी कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि हर पार्टी को अपनी सीटों पर दावा करने का अधिकार है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। बता दें, लोकसभा सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में मिशन 45 प्लस की घोषणा की है। हालांकि बीजेपी की सहयोगी दलों की मांगों के चलते बीजेपी दबाव में नजर आ रही है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।